बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो विल बी फाइन। टुडे इज 29 जुलाई 2020 वेनसडे एंड योर लेक्चर नंबर 16 एंड योर डायरी इज रीडिंग यूनिट नंबर 6 बुक पेज 62+63 प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 रिवाइज, ये आप लोगों ने रिवाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर एंड ओपन योर बुक पेज 62। आज का आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस दिन हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये लेस देन 1% एयर में प्रेजेंट होती है, ये कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं, लेकिन इसका टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। ये स्लाइटली सोल्युबल है वाटर में, ठीक है, लेकिन इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ये हैवियर है। और एक और बात हम लोगों ने पढ़ी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कि ये ना तो जलने के प्रोसेस में मदद करती है और ना ही ये खुद जलती है। आज हम लोग इसके यूजेस पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस पढ़ते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, अब आप लोगों को पता है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट है, उसने फूड बनानी है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वाटर की। अब वाटर वो लेता है रूट्स के ज़रिए। वो कहाँ से लेता है? रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉयल से, और सनलाइट लेता है वो सन से प्लांट। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एयर में। एयर में जो 21% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वहाँ से प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और अपनी फूड बनाएगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। उनको अपनी फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? एयर से लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स अंडर सम प्रेशर। अब कहते हैं कि जो सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। क्यों फिल किया जाता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो स्लाइटली सॉलिबल है वाटर में, लेकिन इनको प्रेशर दें तो ये मज़ीद सॉलिबल हो सकती हैं। तो सोडा वाटर बॉटल को कंप्रेस रखने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ना तो ये खुद जलती हैं और ना ही बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, तो इसलिए कहीं पे भी आग लग जाए तो जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो आग बुझाने वाले हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन द केक इज बेक, जब कोई केक बेक किया जाता है, बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, दीज बबल काज द केक टू राइज एंड बिकम फ्लफी। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं ताकि केक को फ्लफी बनाया जा सके। यहाँ पे देखिए, उन्होंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मेक द केक फ्लफी। अब ये देखें, ये केक फ्लफी सा बना हुआ है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वो उसमें से बबल्स भी निकलती हैं जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें ऐड करते हैं, तो वो इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को केक्स में ऐड करते हैं ताकि केक फ्लफी हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ईजीली फ्रोजन इन टू इट सॉलिड फॉर्म। इसको ईजीली, इसकी सॉलिड, फ्रोजन का मतलब है इसको ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रोजन करेंगे, यानी कि उसको ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे, सॉलिड फॉर्म में लेके आएंगे, तो जो चीज़ बनेगी उसको हम ड्राई आइस बोलेंगे। द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड। अब ड्राई आइस को हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप लोगों के रेफ्रिजरेटर में लाइट नहीं आ रही, तो आप लोग उसको ऊपर वाला जो उसका होता है बॉक्स, उसमें आप लोग क्या करेंगे, ये वाली ये जो ड्राई आइस है इसको रख देंगे, तो जो भी चीज़ आप लोगों ने रखी हुई है वो ठंडी रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। आप कह रहे हैं, डू यू नो, ड्राई आइस इज़ क्रश्ड इनटू पाउडर। ड्राई आइस होती है, उसको हम पाउडर फॉर्म में क्रश करते हैं, पीसते हैं। दिस पाउडर इज़ कैरीड अप इन द क्लाउड्स बाय एन एरोप्लेन। जब एरोप्लेन वगैरह कोई भी जाते हैं, तो अपने साथ इस पाउडर को उड़ा के ले जाते हैं क्लाउड्स में। द ड्राई आइस इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्लाउड्स विच फॉल एज रेन। फिर वो जाके तो क्लाउड्स में जमा हो जाती है ड्राई आइस, वहाँ पर जाके स्प्रिंकल फैल जाती है, और फिर जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये जो ड्राई आइस है ये भी साथ नीचे आती है। दिस प्रोसेस इज डन इन एन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ये वाला प्रोसेस कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, कि ड्राई आइस जो है उसको पाउडर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो एरोप्लेन्स के साथ ही क्लाउड्स में चली जाती है, और बाद में वही बारिश बन के तो नीचे बरसती है। नेक्स्ट है आप लोगों का रेयर गैसेज। हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और भी गैसेस पाई जाती हैं, उनको रेयर गैसेस बोलते हैं। रेयर का मतलब नायाब गैसेस, जो कि बहुत ही कम पाई जाती हैं। रेयर गैसेस इंक्लूड, उसमें कौन कौन सी गैस आती है? आर्गन, नियोन और हीलियम। इनकी परसेंटेज भी हमने देखा था बहुत ही कम थी।
दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं है। दे डू नॉट काज बर्निंग, ना ही ये बर्निंग प्रोसेस में अमल करती हैं। दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट्स इन एयर, ये बहुत ही कम मिकदार में एयर में पाई जाती हैं। फिर इनका काम क्या है, इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर ये गैसेज यूज़ होती हैं वो हम देख लेते हैं। यूजेज ऑफ रेयर गैसेज, आप आर्गोन, नियॉन और हीलियम, ये तीनों रेयर गैसेज हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं। आर्गोन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरेसेंट लैम्प, आप जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब हैं ना उनमें फ्लोरेसेंट कहते हैं चमक पैदा करने के लिए, वहाँ उनमें आर्गोन गैस यूज़ होती है। अब नियॉन इज़ यूज इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट्स, अब जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स में लाइट्स भी आती हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं रेड येलो इस तरह से, तो उनमें नियॉन ही यूज़ हुई होती है, ठीक है, नियॉन की वजह से उनका डिफरेंट कलर आता है लाइट्स का। हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस, हीलियम जो है बहुत ही लाइट, यानी कि इसका वजन बहुत ही कम होता है। इट इज़ फिल्ड इन वेदर बैलून्स, ये जो गुब्बारे वगैरह होते हैं ना उनमें फिल की जाती है, इसीलिए क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है, एयर से बहुत ही लाइट होती है, इसलिए वो जो बैलून है ना उनको हम लोग जब छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनमें जो गैस फिल हुई होती है उसका वेट बहुत ही कम होता है, एयर में जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं उन सबसे कम होता है। आप लोगों ने ये सारा लर्न करना है, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 जो है उसका पार्ट 3 रिवाइज भी करना है। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकअल्लाह।